सुचरिता, हम ये ना भूलें कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें ना जनता अपने ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कोई सम्मान करती है, ये मिनिस्टर का कोई सम्मान करती है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर एक्टिविटीज होती हैं। इसमें इमरान खान तो अपना मुंह बंद रखेंगे ही, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में ये सारे काम होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्सफुल कन्वर्जन होते हैं उनके यहाँ, प्रॉपर दरगाहों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। तो ये लोग बाबरी मस्जिद का जो रोना चैनल पे आकर बैठ के रोते हैं, और हम मुसलमान खड़े होकर बोलते हैं कि हमारा प्रॉपर, आपने जैसे बोला कि कोर्ट केस चला, सालों तक कोर्ट केस चला। हमारी कंट्री में पंचों को परमेश्वर माना जाता है, हमारी कंट्री में सारे काम लीगली प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके होते हैं। इनके इमरान खान एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं, और जब उनको क्वेश्चन करो तो ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। अगर आप प्रॉफिट को मानते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रॉफिट मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में पैदा हुए थे। आप जिस धरती पर पैदा हुए वो मंदिरों की धरती है। आपने पेशावर में सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं, आपके तालिबान ने बूते बामियान में विध्वंस कराए, और आप लोगों ने आज की तारीख में कितने गुरुद्वारे विध्वंस करे हैं। आप अगर अपने इतिहास को जाने, अगर वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो रियासत मदीना भूलकर रियासत अशोक, रियासत बिंबिसार, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य, रियासत दाहिर, रियासत पोरस याद करिए। आप जैसे कट्टरपंथी मुसलमानों में और भारतीय मुसलमानों में यही फर्क है कि भारतीय मुसलमान अल्लाह का इस्लाम मानते हुए अपने खुदा से अपने आप को जोड़ते हुए अपनी धरती से जुड़ा रहता है, अपनी संस्कृति नहीं भूलता है। और ये सुचरिता, ये मंदिर का हम यहाँ पे बैठ के एक मंदिर पे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में शहजाद साहब करें जो बात सुबह ही ने कही, बोलते हैं आरजू, आरजू को मैं लिटरली सुचरिता जी बोलिए बोलिए सुमित बोलिए 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 अपनी बात पूरी करिए। शुक्र करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ आरजू को कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, एंड आई एम कंसर्न फॉर आवर सेफ्टी। मैं एज अ भारतीय मुसलमान भारत में सेफ हूँ ये बात बोलते हुए, लेकिन आरजू मंदिर के फेवर में बोलते हुए पाकिस्तान में सेफ नहीं है।